बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर एल्जेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे गेट 2023 के पेपर्स में, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2023 के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास में तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमसे पूछा गया हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। किस अल्फा की वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसके का क्या होगा हमारे पास में, उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास में जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो होता है एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि हमारे पास में यहाँ पर गिवेन है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके हमारे पास में दो केसेस होते हैं, दैट इज जब हमारे पास में रैंक इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और हमारे पास में जब क्या होता है, जब रैंक इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास में जब रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है तो उस केस में हमारे पास में क्या होता है, उस केस में हमारे पास में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो आप बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ होती है, या तो आप बोलिएगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर आप बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिमिलरली जब हमारे पास में रैंक इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो हमारे पास में क्या होगा, या तो हमारे पास में इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर आप क्या लिख सकते हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, जब हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो उस केस में हमारे पास में डिटरमिनेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और जब हमारे पास में इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो बस आपको ये वाला चीज़ पता होना चाहिए था, इसके थ्रू आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, ठीक है। सिंगल मार्क का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस वाले फंडे को यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमसे पूछा गया ये वाला पार्ट, दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, एकदम सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट डी इक्वल टू जीरो करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, वन माइनस टू अल्फा टू वन माइनस फोर वन माइनस वन एंड वन, ठीक है। और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम लोग डी को जीरो कर देंगे, ठीक है, हमने कोएफिशिएंट्स को लिखा और उसका डिटरमिनेंट जीरो कर देंगे। तो हमारे पास में जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बताइए, वन इंटू वन माइनस फोर, यहाँ पर प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में टू प्लस फोर, ओके, प्लस अल्फा इंटू माइनस टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक बार चेक करिए सही है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में चार दो छः, छः दूनी बारह, और यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, बारह में से तीन चला जाएगा तो नौ बचेगा, तो माइनस थ्री अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ नाइन, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू थ्री हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अल्फ़ा की वैल्यू थ्री होगी, आंसर इंटीजर में आने वाला था। तो हमारे पास में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसमें बेसिक सा हमें प्रिंसिपल यूज़ करना था जो कि हमारे पास में था d इक्वल टू जीरो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा होता तो हम क्या करते, d इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो करते, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए d इक्वल टू जीरो करेंगे और नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए d नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो ये हमारे पास में कंडीशंस किसके लिए है, सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए ये वैलिड होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में टू मार्क्स के लिए गेट 2023 के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स गिवन है, टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स गिवन है जो कि जिसके एलिमेंट्स हमारे पास में हैं वन टू थ्री
5, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लास्ट में हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, ठीक। तो ये हमारे पास में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो या तो हम यहाँ पर सिंपल से ए रेज टू द पावर 4 ए स्क्वायर ए और इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं इस पूरे वाले पार्ट का, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, या फिर हम आइगन वैल्यूज़ की मदद से कर सकते हैं। बट आइगन वैल्यूज़ की मदद से एक बार चेक करना पड़ेगा होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जनरल मेथड से यहाँ पर ट्राई करते हैं एक बार कि क्या आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ए स्क्वायर की, तो ए जो हमारे पास में है ये ऐसा है, ए इंटू ए अगर मैं करता हूँ दैट इज़ 1, 2, 3, 5, तो हमारे पास में ये ए स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो ए स्क्वायर अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 into 1, 3 into 6, 7, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, रो इंटू कॉलम कर रहे हैं हम लोग, तो 2 और प्लस 10 दैट इज़ 12, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में 3 और प्लस 15, 18, 3 × 6, 25, 25 और 6, 31, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, ए रेस्ट टू पावर 4 चाहिए। तो अगर मैं ए रेस्ट टू द ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमें मिल जाएगा ए रेस्ट टू पावर 4, ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ए स्क्वायर हमारे पास में ये आया था ए स्क्वायर, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा ए रेस्ट टू पावर 4। तो हम लोग सिमिलरली वही कर रहे हैं, ठीक है, 7, 12, 18, 31। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 265। एक बार आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन को, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 684। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बट सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ा सा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, ए रेस्ट टू पावर 4 फाइंड आउट कर लिया, तो ये दोनों हमारे पास मिल गया हमें, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू मिल गई, ये वाली मिल गया। ए तो हमारे पास ऑलरेडी है, आई तो हमें पता ही है, तो बस हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 4 माइन प्लस है सॉरी प्लस है ना प्लस है प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास में ए रेज टू पावर 4 क्या था, ए रेज टू पावर 4 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में क्या था मैट्रिक्स, तो ए रेज टू पावर 4 का हमारे पास में आया था 265, 456, 684, 1177, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर हमारे पास में क्या था, ए स्क्वायर हमारे पास में ये वाला पार्ट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7 * 21 = 36, ठीक है, 18 * 54 = 3, 9, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। माइनस 5 * a करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए, 5 × 5 = 10, 5 * 3 = 15 और 5 * 25, ठीक है, प्लस 6 * आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको आप पहले क्या कर लीजिए, फाइनल ऐड कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इनको ऐड कर दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट करके ये कर दीजिए। सिमिलरली आप क्या करेंगे, एक आपको फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा, उसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास में क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 287, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 482, 723, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1251। इसका जैसे ही आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ही आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो इस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 10,551, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर है एज पर द आंसर की प्रोवाइडेड बाय गेट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,551। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था,
बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व था जो कि आप कैलकुलेटर से बेसिकली कर सकते हैं। और अगर इसको कोई किसी और मेथड से अगर मैं कुछ ट्राई करता हूँ, अगर किसी और मेथड से भी अगर ये बनेगा आइगन वैल्यूज़ के थ्रू या फिर किसी और मेथड के थ्रू, तो मैं डेफिनेटली उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप चैनल के लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि हमारा जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारा चैनल का काउंट है वो थोड़ा इंक्रीज हो पाए और मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट ला सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।